तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके अंदर पहला टॉपिक है पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड, एक ही बात है। पीएन जंक्शन को का ही दूसरा नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड। देखो हम करने क्या वाले हैं, हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देंगे, जोड़ देंगे या मिला देंगे या पास में आएंगे। अब प्रोसेस समझना बहुत ध्यान से, होगा क्या, ध्यान आगे प्लीज। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये जो सेक्शन है, मतलब दो क्लास के दो हिस्से हैं, ये आपके सामने जो सेमीकंडक्टर है वो मान लो पी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। आप सब कौन है, आप सब डोपेंट हैं, डोपेंट के एटम हैं। तो ये पेंटावेलेंट सारे एटम दिख रहे हैं आपको और ये ट्राइवेलेंट दिख रहे हैं, और कुछ चीज़ें दिख नहीं रही, जो आपको दिखाई नहीं दे रही उसमें लाखों करोड़ों बॉन्ड्स हैं सिलिकॉन के, जिसकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि डोपेंट की क्वांटिटी तो बहुत कम है ना, 1 in 10 की पावर 10। तो इस बेंचेस के अंदर मान लो सिलिकॉन ही सिलिकॉन बिछा पड़ा है, पर मैं डिस्कशन सिलिकॉन पे करने नहीं वाला, वो तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैठा है, मैं डिस्कशन डोपेंट पे करने वाला हूँ। तो आप सब जो दिखाई दे रहे हैं वो एन टाइप है, मतलब कि यहाँ पर पेंटावेलेंट एटम है और ये सब ट्राइवेलेंट है। शुरू करें तो मैं इन दोनों को पास ले आया, आप सबको पास ले आया। अब देखो क्या हुआ, ये जो कोने के लोग बैठे हैं पी टाइप, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई तुम न्यूट्रल हो क्या, वो न्यूट्रल है क्या बोलेंगे, ये पी टाइप है, डोपेंट है पी ट्राइवेलेंट का, तो मैं क्या बोलूँ कि न्यूट्रल है, बोलो हाँ या ना, न्यूट्रल है कि इसके बाद डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, बिल्कुल गलत। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रिकली, भाई इसको भगवान ने बनाया ही ट्राइवेलेंट है, इसकी मजबूरी समझो ना, ये कोई तुमने थोड़ा बनाया है, पड़ोसी सिलिकॉन है उसमें ये क्या कर सकता है, सिलिकॉन को भगवान ने बनाया, वो कहता है जी ठीक है जी 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 4 है वो न्यूट्रल है, ट्राइवेलेंट को ऊपर वाले ने बना दिया, ट्राइवेलेंट कह के बनाया, अभी तेरा नाम ट्राइवेलेंट है, इसका नाम कोई सिलिकॉन थो ना कहा, तो तू ट्राइवेलेंट है, तेरी जेब में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तू न्यूट्रल है, तू बना ही 3 के लिए तो तू न्यूट्रल है। हाँ तेरे अगर मैं 1 रुपया ले लूंगा, तेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, फिर ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, फिर डेफिशिएंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कंपैरिजन सिलिकॉन के साथ नहीं करना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखो, सिलिकॉन भी न्यूट्रल है, ट्राइवेलेंट भी न्यूट्रल, तब तुम सब न्यूट्रल हो। और ऐसे तुमसे पूछा कि तुम्हारी जेब में कितने इलेक्ट्रॉन है जो पेंटावेलेंट है, तो तुमने क्या कहा, 5-5 इलेक्ट्रॉन है, क्या तुम न्यूट्रल हो, हाँ तुम न्यूट्रल हो, कि तुम्हारा नाम क्या है, पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट का मतलब तुम्हारी जेब में 5 इलेक्ट्रॉन तो होने बनते ही है, हाँ 5 ना हो फिर न्यूट्रल नहीं है, तो इधर से ये भी न्यूट्रल है, इधर से ये भी न्यूट्रल है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखो क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना, आप सिर्फ इन लोगों की बात करना जो कोने पे बैठे हुए स्टूडेंट, वो सबसे पहले इस कोने के स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आ गए, बातचीत हुई, तो इसने कहा कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक तो मेरे पास फालतू भी है, मेरा इर्द गिर्द घूम रहा है, वो लूजली बाउंड है, बहुत लूजली बाउंड है, और वो फ्री भी नहीं है लेकिन बदा भी नहीं हुआ, पर मेरे पास आसपास घूम रहा है। इन सब ने कहा कि हाँ हमारे जेब में 1-1 इलेक्ट्रॉन फालतू, मेरे आसपास ही घूमे जा रहा है, और तुम्हारे पास क्या था, 1-1 होल है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑब्वियसली क्या है, तुम्हारे पास एक डेफिशिएंट, एक क्योंकि तुम्हारा तो ट्राइवेलेंट है, तुम्हारे पास एक क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 की कमी है। तुम्हारी बातचीत स्टार्ट हुई, इसने कहा यार 1 रुपया चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता ना, मैं सिलिकॉन का कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर देता, वो प्रोसीव चरण रोता बहुत है कि मेरा बॉन्ड नहीं कंप्लीट हुआ। इसने कहा ले, उसमें क्या है, मेरे से ले ले, मेरे पास तो 1 फालतू ही है। इसने उठा के अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्यों, इसके पास तो होल था और होल इज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन भी बांध नहीं रखा था, इलेक्ट्रॉन इसके पास तो था पर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव था, और उसकी यही शर्त थी, मैं तब तक तेरे साथ रहूंगा जब तक मेरे को कोई चांस नहीं मिलेगा, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊंगा, कि तुम्हें मैं बना तो हुआ नहीं तेरे से, मैं तो ऑलमोस्ट फ्री हूं, तो अपॉर्चुनिटी मिली, उसको पता लगा होल है, उठ के इसकी जेब में चला गया। अब क्या हुआ, अब मैं इंस्पेक्शन पे आया, मैंने कहा देखूं तुम्हारे क्या चार्जेस हैं, मैंने इससे पूछा तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पेंटावेलेंट है, कहता हाँ मैं पेंटावेलेंट, तो कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कहते 4 है, मैं कहा 5वां आ गया, कहते मैं दे दिया। अब मैंने कहा ठीक है, अब तूने दे दिया, तेरे ऊपर लिख दिया मैंने प्लस, तो डेफिशिएंट है। और मैंने इससे पूछा तेरा नाम तो ट्राइवेलेंट है, तेरी जेब में तो 3 मिलने चाहिए,
अब देखा तो इसके जेब में तो चार पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा तेरे पास एक कहाँ से आया? इसने कहा पड़ोसी ने दे दिया। तो मैंने कहा देख अब तू न्यूट्रल नहीं है, तेरे पास एक्सेस है, तेरे ऊपर क्या लिख दिया माइनस, और बाकी लोग देख रहे हैं, बाकी न्यूट्रल हैं, आस पड़ोसी देख रहे हैं न्यूट्रल हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट उनके साथ होगा जो काफी पास बैठे हैं। तो हुआ क्या, जो इसने किया वो इसके पीछे वाले स्टूडेंट ने किया, उसने भी, उसने सबने कर लिया। तो हुआ क्या, मैंने जब दूर से देखा ये क्या हुआ, इधर न्यूट्रल बैठे हैं, इधर न्यूट्रल बैठे हैं, और इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है माइनस 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 माइनस, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है प्लस 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 एंड प्लस, क्योंकि शेयरिंग हो चुकी है। क्लियर है? तो आप डायग्राम को समझें, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके पास पॉजिटिव ही पॉजिटिव होल्स हैं, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके पास मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको ये समझ में आएगा, बहुत लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या, ये बीच में पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आए। ये वो स्टूडेंट हैं जिनको ट्राइवलेंट बनाया गया था, पर जिन्होंने इस पड़ोसी से क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन में चले गए, एक एक फालतू कर लिया, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और ऐसे ये वो लोग हैं जिन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, तो इनके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या चक्कर है, एन के अंदर पॉजिटिव कैसे इकट्ठा हो गया और पी के अंदर नेगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जो काम इन स्टूडेंट्स ने किया, पहले पहले स्टूडेंट्स ने, पहले पहले एटम ने किया, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट, उसे इंस्पायर होके पड़ोसियों ने भी किया, एक एक पड़ोसी और आ गया था, मेरे से भी ऐसे करने दो, मेरी बातचीत करवाओ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये प्रोसेस शुरू में स्टार्ट हुआ, जो शेयरिंग स्टार्ट हुई, शेयरिंग और शेयरिंग और शेयरिंग होती गई, और जब ये शेयरिंग हुई होती गई तो यहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो मैं यहां एग्जांपल देता हूं क्लास में, इधर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब तीसरा स्टूडेंट आया जो न्यूट्रल है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे को एक डेफिशिएंसी थी और इसके बाद एक्सेस है, इसने कहा कि मेरी बातचीत करवाओ, मैं भी जाके शेयरिंग करूं। तो जैसे ही इसके पास आने लगता है इलेक्ट्रॉन देने, इस होल के पास आने लगता है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या इन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर क्या लिखा गया, नेगेटिव, और इन सभी के ऊपर क्या लिखा गया, पॉजिटिव। तो इन्होंने आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लिया एक, तो जंक्शन के ऊपर क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ, इन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से डेवलप हुआ, और पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया प्लस और माइनस का। उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है बैरियर पोटेंशियल। ये बैटरी नहीं है, इमेजिन करो एक बैटरी लगी हुई है जिसने पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट कर दिया, इमेजिनरी बैटरी है नहीं, तो ये दिखा रहा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया वीबी, और इस पोटेंशियल का नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल। क्योंकि अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है कि सर मेरे को मान जाने दो, मैंने तू तो जा, पर कहता मैं जा नहीं पा रहा, मैंने कहा क्यों, कहता देखो जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करने की कोशिश करता है, बीच में दीवार आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, और मेरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं कि तू ऐसे कैसे, मैं घुसने की कोशिश करता हूँ, रिपेल कर देते हैं। मैंने कहा शुरू में नहीं ऐसा था, कहते शुरू में ऐसा था नहीं, शुरू में क्योंकि ये प्रोसेस शुरू हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा इकट्ठे हुए नहीं थे, बैरियर पोटेंशियल जो छोटा था, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा था, तो मेरी रिपल्शन छोटी थी, जो निकल गए बॉर्डर पार कर गए कर गए, जो रह गए अब रह गए, अब इधर के इलेक्ट्रॉन इधर रह गए, इधर के पॉजिटिव इधर रह गए, अब कॉम्बिनेशन होना बंद हो गया, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड या बैरियर पोटेंशियल ये नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है यहां तक? अब यहां पे एक रीजन क्रिएट हो गया, आप सबने मिलके पॉजिटिव नेगेटिव शेयर कर करके एक ऐसा एरिया क्रिएट कर लिया कि चाहते हुए भी यहां का होल, चाहते हुए यहां का इलेक्ट्रॉन इस एरिया को जंप नहीं कर पाएगा, राइट इस एरिया को जंप नहीं कर पाएगा इसमें। तो यहां पर मूवमेंट बंद हो गई, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पा रहे, होल्स ही मूव कर पा रहे, अब ये खाली एरिया हो गया। इस एरिया को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ये एरिया डिप्लीशन लेयर है, इसमें मूवमेंट बंद हो गई। तो टॉपिक क्या है, डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल को डिस्कस करो। अब ऑब्वियसली तुम ऐसे थोड़ा डिस्कस करोगे जो मैं समझाया तुम्हें, तुम तो अब किताबी लैंग्वेज लिखोगे ना, भारी लैंग्वेज है किताबी, लगेगा कि शब्दों की कीमत है यहाँ पे। देखते हो, देखो कैसे करना है।
तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले इसके अंदर ऐसे लिखना है, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, कैरियर करो इसे, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर हैं, पी रीजन में होल चार्ज कैरियर हैं, और वो कह रहे हैं कि इनकी अमाउंट डिफरेंट है, डेंसिटी डिफरेंट है, यहां पे एन टाइप ज्यादा है, यहां पर पी टाइप ज्यादा है, तो डिफरेंस तो है ही, क्योंकि एक रीजन में एन ज्यादा है, एन टाइप में एन ज्यादा है और पी टाइप में पी ज्यादा है। अब क्या होता है, इनमें क्या स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज थ्रू जंक्शन इनटू पी रीजन। तो जब मैंने पी और एन को जोड़ा था तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन के उठ के किस में आने स्टार्ट हो गए थे, पी रीजन में, क्योंकि कंसंट्रेशन का फर्क था। दो गैसेस भी तो डिफ्यूज होती हैं, मिक्स होती हैं, क्योंकि डेंसिटी में फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही, एक में ज्यादा फालतू इलेक्ट्रॉन है, एक में कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इसमें ट्राइवेलेंट है, तो दोनों मिल गए, कंसंट्रेशन चेंज है, तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन का पी में चला गया और पी रीजन का होल एन में चला गया। तो वही तो लिख रहे कि द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज थ्रू जंक्शन इन टू पी रीजन एंड होल फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज इन टू एन रीजन। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। आगे, सिंस होल वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, इसे काट दो, पहली लाइन काटो, ये लिखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन, ये काट दो लाइन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूजेस इनटू पी रीजन, जैसे इलेक्ट्रॉन एन रीजन से उठ के पी रीजन में आता है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन दी वैकेंसी, तो इलेक्ट्रॉन इसका इसकी वैकेंसी में जाके गिर जाता है एंड कंप्लीट दी कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड किसका, ये तो बेचारा वेट कर रहा था और इसका तो पड़ोसी रो रहा था सिलिकॉन की, यार मेरे को एक इलेक्ट्रॉन तो दे दे, तभी क्योंकि तीन के साथ शेयरिंग करे बैठा है, एक तो खाली बैठा है, तो ये कहता है रुक, यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ा और कोवलेंट बॉन्ड सिलिकॉन का कंप्लीट कर दिया। तो इसका भी हिसाब ये भी खुश, कहता है ठीक है यार, चार बटा चार शेयरिंग होगी और वो भी खुश, चलो ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन को करना भी क्या था, तो क्या हुआ, तो वैकेंसी के साथ किया गिरा और इससे हमने कोवलेंट बॉन्ड पूरा कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल आपस में क्या कर गए, कंबाइन कर गए, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। द अकुमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटीज, वो कह रहा है हुआ क्या, इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां पर क्या अकुमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन आके गिर गए तो इसके ऊपर क्या चार्ज अकुमुलेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो यही तो बोल रहे हैं, अकुमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर, अकुमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, पॉजिटिव नेगेटिव का इकट्ठा होना और ऑपोजिट पोलैरिटीज इन टू रीजन्स ऑफ द जंक्शन, तो जंक्शन के दो रीजन में, गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी रीजन, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ने किसको राइज करवा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर दिया। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेज विद माइग्रेशन ऑफ मोर चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, वो कह रहा है जी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मिलते जा रहे हैं, चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब बढ़ रही है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड दैट ऑफ होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, वो कह रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी ना, उसने एन रीजन के इलेक्ट्रॉन को यहां ना बंद कर दिया और पी रीजन के होल को यहां जाना उन्होंने बंद करवा दिया, ये जो अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस है उन्होंने, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने और बैरियर पोटेंशियल ने रोक लगा दी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसने एक बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया जिसका नाम क्या है, वीबी। बैरियर पोटेंशियल क्या है, वीबी, वीबी डेवलप कर दिया, विच अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इन ऑपोजिट रीजन, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर वीबी है उसने रोक लगा दी कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा, कोई होल यहां से यहां नहीं जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर, और पोटेंशियल लगा के वो बैरियर की तरह काम कर रहा है। अ रीजन इज क्रिएटेड, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जंक्शन के पास, विच इज डी वॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर एंड
इमोबाइल आयंस, वो कह रहे ना आयन मूव कर पा रहे हैं ना कोई चार्ज मूव कर पा रहे हैं, तो ये रीजन तो बिल्कुल खाली है। इस रीजन में जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। तो पॉइंट क्लियर है, डिप्लीशन लेयर किसे बोलते हैं? दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। नेक्स्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल बैरियर वीबी। अब क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? पोटेंशियल बैरियर वीबी अक्रॉस द जंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन रिक्वायर एनर्जी ई इंटू वीबी टू क्रॉस द जंक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है? सब सेटल हो गया, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, बैरियर पोटेंशियल हो गया, जो जहां बैठे वहीं का वहीं रह गया। अब ये कहता है मेरी भी इच्छा है सर, मैं भी तो इलेक्ट्रॉन वहां अपना होल कर दूं और काम खत्म करूं, मैं भी न्यू, मेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, और ये कहते हैं मेरे को भी इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये चाहते तो हैं पर बैरियर पोटेंशियल ये करने नहीं दे रहा। तो एक नया एक्टर आया, उसका नाम है बैटरी। बैटरी कहते कोई टेंशन नहीं, मैं बैठी हूं तो तुम मेरे से एनर्जी लो, मतलब बिना बैटरी के अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर पाएगा। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है तो मुझे एक्सटर्नल बैटरी से कितनी एनर्जी दिलवानी पड़ेगी? ई इंटू वी बी। क्यों? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ था? वी बी। तो उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए? ई इंटू वी बी, जो बैटरी प्रोवाइड करेगी, और ये बिल्कुल इस जंक्शन को क्या कर जाएगा? क्रॉस करेगा। तो ये डिसाइड हो गया कि अब जो शुरू शुरू में क्रॉस कर गए कर गए, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन करना चाहता है तो तुम्हें बाहर से पोटेंशियल देना पड़ेगा, अपने आप अब ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस इतनी एनर्जी चाहिए, और जो डायग्राम ये बनाया था बुक्स में, डायग्राम ये नहीं बनता, इसको पी रीजन बोलते हैं। पीएन जंक्शन को ऐसे नहीं बनाते, बहुत कॉम्प्लेक्स है। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए फिर तो ऐसे ही बनाते हैं, पर वैसे शॉर्टकट है, ये पी है और ये एन है, ऐसे इस पूरे डायग्राम में ऐसे, इसे पी बोलते हैं और इसे एन बोलते हैं, इसे पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, ये इसका क्या है? सिंबल है। तो क्लियर है यहाँ तक? इसकी वर्किंग समझ में आ रही है? वर्किंग तो है ही नहीं, ये तो प्रोसेस है कि क्या हुआ जब आपने पी एन और एन को आपस में ज्वाइन किया।